हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन नोटियाल आपके लिए बायोलॉजी का हृदय से संबंधित एक लेक्चर लेकर के आया हूँ। समझना ध्यान से जरा। देखिए, बात करते हैं हृदय की। ये हमारा हृदय, ठीक है। हृदय हमारा चार कोष्ठकों से मिलकर बना होता है, ये चार पार्ट में होता है, 1, 2, 3 और 4। ये जो होता है इसको बोला जाता है दाया आलिंद, दाया आलिंद। और इसको जो बोला जाता है बाया आलिंद। ठीक वैसे ही ये होता है दाया नीले, और ये होता है बाया नीले। क्लियर। अब यहां से थोड़ा समझना बात को। ये जो स्टार आपको दिख रहा है एक्चुअल में, ये है क्या? ये एक नोड होती है और इसका नाम होता है एस ए नोड, या हम इसको कहें साइनो आर्टियल नोड। साइनो आर्टियल नोड, इसको हम हृदय का पेसमेकर भी कह सकते हैं। पेसमेकर, ठीक। दायालिंद दायानीले, बायालिंद और बायानीले, ठीक है। समझना बात को। हमारा जो हृदय है वो एक दो कोष्ठकीय झिल्ली, डबल लेयर एक झिल्ली होती है, उससे घिरा होता है, जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम में एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड को कहा जाता है पेरिकार्डियम द्रव। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम द्रव। ये जो पेरिकार्डियम द्रव है ये हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी चोटों से बचाता है। बात समझ में आ गई? हमारे हृदय में अगर बाहर से कोई चोट आती है, आघात आता है, तो ये हमारे हृदय को बचाएगा, ये झिल्ली और इसमें भरा हुआ लिक्विड भी। बात समझ में आई? ठीक। और थोड़ा समझना, ये है क्या एक्चुअल में हम दिखा रहे हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो एओर्टा है, एओर्टा से हृदय ने रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक। ब्लड को सर्कुलेट कर दिया, ब्लड सर्कुलेट हुआ। सर्कुलेट होने के बाद ये जैसे ही ब्लड सर्कुलेट हो, ब्लड आएगा विभिन्न भागों में शरीर के, तो एक बात समझने लायक वो ये है कि जो रक्त है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है शुद्ध, जो कि प्योर ब्लड, दूसरा होता है अशुद्ध, मतलब इम्प्योर ब्लड। शुद्ध को हम क्या लिखेंगे? पीबी, प्योर ब्लड। अशुद्ध को इम्प्योर ब्लड, ठीक। शरीर के विभिन्न भागों में जब ब्लड चला गया तो वहां से हमारा ब्लड अब अशुद्ध हो जाएगा, साफ नहीं रहेगा, और जब वो साफ नहीं रहेगा तो उसको साफ कोई करेगा। अब उसको साफ कौन करेगा? साफ करेगा भैया आपका फेफड़ा, क्योंकि हमारा शरीर जिस रक्त को लेगा वो रक्त बिल्कुल साफ होना चाहिए, ऐसा हमारे शरीर की डिमांड होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त हमने O2 को लिया और CO2 को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा तो छोड़ते वक्त वो हमारे रक्त में कुछ मात्रा में डिजोल्व हो जाएगी, हमारा रक्त अशुद्ध हो जाएगा। अब इस रक्त को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे होगा? ये जो रक्त है वो यहाँ से होता हुआ दोबारा हृदय में जाएगा। ये कैसा रक्त है? अशुद्ध। बोला ना, अभी शरीर ने क्या कर दिया, उसको अशुद्ध बना दिया। ये इम्प्योर ब्लड क्या है? ये इम्प्योर ब्लड होता होता वेना केवा के माध्यम से, जिसको महाशिरा कहा जाता है, इसके माध्यम से ये हमारे हृदय के दाएं आलिंद में जाएगा।
तो पहला सवाल यहीं से आ जाएगा कि हृदय के दाया लिंग में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध की शुद्ध, तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक, अशुद्ध रक्त। जब ये 70-75% भर जाएगा तो यहां से जो हमारा रक्त है वो नीचे की ओर आएगा। कैसे? देखिए, इसमें और इसमें ये जो दो चैम्बर्स हैं इनके बीच में एक ये होती है वाल, क्या होती है वाल, और ये वाल आपस में जॉइंट नहीं होती, बस ऐसे जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे कोई चीज भर जाएगी ज्यादा मात्रा में तो ये अपना आप खुल जाएगा, ठीक है, और जैसे ये खुलेगा तो रक्त नीचे की तरफ आएगा, ठीक। तो यहाँ कैसा ब्लड था, इम्प्योर, यहाँ भी कैसा होगा। अब हृदय ने इसको पंप किया और पंप करने के बाद ये वापस भेजा, और भेजा कहाँ, ये अब इस वाल के द्वारा। देखिए, अब इस वाल का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ को है, यहां कुछ चीज प्रेशर मारेगी तो खुल जाएगा, ऐसे खुलेगा ना, तो रक्त यहां से ऊपर गया और यहां से ऊपर जाते जाते ये फुसफुस धमनी के माध्यम से, फुसफुस धमनी के माध्यम से ये पहुंच जाएगा फेफड़ों में। अब फेफड़े इस रक्त का क्या करेंगे, फेफड़े इस रक्त को क्या करेंगे, शुद्ध कर देंगे, साफ कर देंगे, क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, ठीक लोग। फेफड़ों में जब रक्त पहुंचा तो फेफड़ों ने क्या किया, इसके अंदर से CO2 को तो हटाया और इसके अंदर O2 को मिला दिया, मतलब क्या है कि ये रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, मतलब प्योर ब्लड हो चुका है। ये जो प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड अब दोबारा से हृदय में आएगा, क्लियर। जब दोबारा से हृदय में आएगा तो हृदय में आएगा पल्मोनरी वेन, जिसको फुसफुसीय शिरा या फुसफुस शिरा कहते हैं, ठीक। इसके माध्यम से अब ये हृदय में वापस आ रहा है और सबसे पहले कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, आ गया। बाएं आलिंद में कैसा रक्त है, प्योर ब्लड, क्लियर, ठीक। इसके बाद ये बाएं कास्पिड वाल से होता हुआ हृदय के बाएं नीले में पहुंचेगा, बात समझ रहे हैं, कहाँ पहुंचेगा, चलिए इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं आपके लिए, थोड़ा आपको आसानी रहेगी, अब ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। अब ये पहुंचा बाएं नीले में, तो बाएं नीले में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड हो गया। अब ये जो प्योर ब्लड है ये एओर्टा के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचेगा, विभिन्न हिस्सों में पहुंचेगा, और यही सर्कल लाइफ टाइम चलता रहेगा जब तक व्यक्ति जीवित है, बात समझ में आई, जब तक व्यक्ति जीवित है ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहेगा, यहाँ से फिर वही सिस्टम ऐसे ऐसे जाता रहेगा, क्लियर, बात समझे, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एस ए नोड है इसको देखते हैं, एस ए नोड है क्या, सवाल आएगा एस ए नोड क्या है, एस ए नोड की लोकेशन क्या है, हृदय में किस जगह मिलती है, एटसेट्रा, ऐसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। ये जो एस ए नोड है इसको बोला जाता है साइनोआर्टियल नोड या हृदय का पेसमेकर, अर्थात हृदय में धड़कन का जो प्रारंभ होता है वो एस ए नोड से होता है, कहां से होता है, एस ए नोड से होता है, ठीक है। एस ए नोड के बाद क्या करेंगे, तो हृदय का जो अध्ययन है वो किया जाता है कार्डियोलॉजी में, ठीक, कार्डियोलॉजी में। हमारा हृदय 12x9x6 सेंटीमीटर आकार का एक स्पंदनशील अर्थात पल्सटाइल ऑर्गन होता है, ठीक है, धड़कने वाला ऑर्गन होता है, ठीक। ये सब झिल्ली हमने बता दिया था, क्लियर है। अब बात करेंगे कि हमारा जो हृदय है, हमारे हृदय में रक्त दो बार आया, एक बार अशुद्ध, दूसरी बार शुद्ध, कैसे आया देखना भाई, यहाँ से देखिए, एक बार तो वेना केवल आ रही है अशुद्ध रक्त, इम्प्योर मतलब अशुद्ध रक्त, ठीक है, एक बार फेफड़ों से आया है पल्मोनरी वेन, फुसफुस शिरा के माध्यम से प्योर ब्लड, यानी कि दो बार आया है,
क्लियर है। और दो ही बार जाएगा, एक बार जाएगा एओर्टा के माध्यम से और एक बार जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जिसको फुसफुस धमनी कहते हैं। बात समझ में आ गई सबके, आगे चलेंगे। अब हमारे हृदय से आवाजें कितने प्रकार की आती हैं? जो आवाजें आती हैं वो चार प्रकार की आती हैं, और इन चार प्रकार की आवाजों में से हम जो सुन सकते हैं वो सिर्फ दो प्रकार की आवाज सुनते हैं। चार प्रकार की जो आवाज है वो आएगी और सुनेंगे कितनी? दो प्रकार की। जो दो प्रकार की आवाज है वो बोली जाएगी, नंबर एक L U B लव, और नंबर दो है D U B डब, लव और डब। जो दो है वो कौन सी है भाई? सुनी ही नहीं जाती तो कौन सी पता ही नहीं। क्लियर है? ठीक। लव और डब को किससे सुना जाएगा? उसको सुना जाता है स्टेथोस्कोप की सहायता से। किसकी? स्टेथोस्कोप की सहायता से, जिसको डॉक्टर साहब कान में लगा करके चेक करते हैं। ठीक है, उसमें एक्चुअल में आवाजें सुनाई देती हैं, वो स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, वो क्या होता है भाई? स्टेथोस्कोप होता है। हमारा जो हृदय है वो आराम करता है। अब आराम कैसे करेगा? हमारा हृदय जो आराम करता है वो दो धड़कनों के मध्य आराम करता है। दो धड़कनों के मध्य आराम करता है, मतलब लब डब रुका, ऐसी लब डब रुका, लब डब फिर रुका। और ये जो रुकने का सिस्टम है यहीं पर ये आराम कर रहा है, मतलब हमारा हृदय दो धड़कनों के मध्य आराम करता है। ठीक। अब यहां से हमने क्या किया, दो धड़कन, अब हमारे हृदय को या हमें जब हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उस कंडीशन से बचने का क्या उपाय है? उस कंडीशन से बचने के लिए पोलैंड के एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है डॉक्टर तेंदुएज पेतेलिंच। तो डॉक्टर तेंदुएज पेतेलिंच ने क्या किया, 1970 में हृदयघात हार्ट अटैक से बचने की एक तकनीक को दिया जिसको कहा जाता है CPR तकनीक, अर्थात कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन। ठीक। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हृदयघात होता है तो हमारे हृदय का मस्तिष्क से जो संपर्क जुड़ा होता है ऑक्सीजन से, वो टूटने लगता है। तो इसको टूटने से बचाया जा सकता है। अगर टूट जाएगा तो व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बचाया कैसे जा सकता है? व्यक्ति को लगातार खांसते रहना। अब खांसना भी इतना तेजी से है कि जितना भीतर उसके पावर है वो सारी पावर वो लगा दे खांसने में, बहुत तेजी से खांसता है। और अगर वो किसी को बता भी रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, तो तब भी जो है उसकी खांसी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक। ऐसा करने से उसकी जो सिस्टम है ऑक्सीजन का मस्तिष्क से, वो बना रहेगा और व्यक्ति मूर्छित अर्थात बेहोश नहीं होगा। नंबर एक, इसको कहा जाता है कफ CPR, मतलब खांसी, कफ मतलब खांसी। ठीक। दूसरा है माउथ टू माउथ या चेस्ट CPR। अगर उस व्यक्ति को नहीं पता कि भैया ये होता क्या है, उसको पता ही नहीं कुछ, तो उसके पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे इससे बचाया जा सकता है। सपोज वो व्यक्ति बेहोश हो गया, नीचे गिर गया जमीन पर, तो अब क्या करें उसके साथ? करना ये है कि उसके मुंह पर मुंह रख करके उसको तेजी से सांस देनी है, और उसको चेस्ट, उसकी जो चेस्ट है वो बहुत तेजी से दबानी है। मतलब हम ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे बैंड करके यूं, और जितना भी जान हमारे भीतर है वो सब उसकी चेस्ट पे लगा देंगे। जितना ज़्यादा आप दबाएंगे, भले ही इंजरी हो जाए दबाते दबाते, वो अलग बात है। ठीक है, जितना तेज आप दबाएंगे हमारे हृदय को उतनी ज़्यादा कंपन महसूस होगी, और जब वो कंपन का अनुभव करेगा तो हो सकता है दोबारा से चालू हो जाए, और व्यक्ति ऐसे ठीक हुए भी हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, मैंने हृदय के सब डाल दी गई है। क्लियर है सभी को? अब किसी को इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वो ये व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज
दे सकता है। ठीक है, इसी के इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पसंद आया हो। और आप अपने जो सुझाव हैं, जो शिकायत वगैरह हैं, उनको भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।